हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड आज के इस ब्लॉग में हम सभी लोग देखने वाले हैं पूर्वा वाटरफॉल। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को बता दूं, मैं हूं विराट और आप देख रहे हैं नेचर ब्लॉगर। आप सभी का हमारे इस चैनल में तहे दिल से मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पूर्वा जलप्रपात एक बहुत ही खूबसूरत दर्शनीय स्थल है जो कि रीवा शहर में स्थित है। दोस्तों, रीवा को झरनों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे झरने आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से पूर्वा वाटरफॉल भी एक है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें, पूर्वा जलप्रपात को बरसात में देखना बहुत ही मनोरम होता है क्योंकि पूर्वा झरने के चारों तरफ हरियाली से भरा माहौल देखकर आपको बेहद अच्छा लगेगा। पूर्वा जलप्रपात रीवा शहर का एक सबसे बेहद शानदार झरना है और इस झरने की ऊंचाई लगभग 70 मीटर है और यह झरना रीवा वासियों के लिए घूमने के लिए बहुत ही बेस्ट जगह है। दोस्तों, इस झरने के आसपास चारों तरफ की हरियाली बहुत ही आकर्षक लगती है जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों, यह परिवार या दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए बहुत ही अच्छी जगह मानी जाती है। पूर्वा वाटरफॉल यानी पूर्वा जलप्रपात देखने का सबसे अच्छा समय बरसात का समय माना जाता है क्योंकि बरसात के समय में आप लोगों को यहां के झरने में अपार जल राशि देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, यह चट्टानों पर बहता हुआ झरना आप लोगों को बेहद मनोरम लगेगा क्योंकि झरना एक कुंड में गिरता है। अगर आप इस झरने को दूर से देख सकते हैं, इस झरने को देखने के लिए यहाँ पे बहुत सारे व्यू पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ से आप अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। व्यू पॉइंट को सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे लोहे की बहुत सारी बाउंड्री बनाई गई है। अगर आप यहाँ घूमने जाते हैं और झरने को बाउंड्री के अंदर से देखें, आप नदी के पास भी जा सकते हैं मगर उसके लिए आपको सावधानी रखनी पड़ती है। अगर आपको बरसात के टाइम में नदियों में पानी बढ़ता है तो आप लोगों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें, पूर्वा वाटरफॉल में पूर्वा जलप्रपात रीवा शहर में स्थित रीवा से तकरीबन 32 यानी 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप लोग पूर्वा वाटरफॉल रीवा शहर से घूमने के लिए आ रहे हैं तो आप लोगों को बता दें, यहाँ पर आप कार, ऑटो, टैक्सी, बाइक के माध्यम से बेहद ही आसानी तक इस वाटरफॉल तक पहुँच सकते हैं और यहाँ का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग सतना साइड से भी आना चाहते हैं तो सतना से इस वाटरफॉल की दूरी तकरीबन 60 किलोमीटर की है। आप यहाँ से भी बेहद ही आसानी से पहुँच सकते हैं। पूर्वा जलप्रपात घूमने का सबसे अच्छा जो समय है वो जुलाई से लेकर जनवरी फरवरी है और जैसे जैसे यहाँ पे गर्मी का मौसम आता है तो झरने का पानी बहुत कम हो जाता है। गर्मी के मौसम में झरने का पानी तरीके से खत्म हो जाता है तो यहाँ पर आप बरसात या ठंड के मौसम में आकर घूम सकते हैं। यहाँ पर एक रेस्ट हाउस भी बनाया हुआ है जहाँ पर कोई भी आके रुक सकता है जो भी दूर से आता है, मगर रेस्ट हाउस में इतनी सारी सुविधाएं नहीं है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। दोस्तों, पूर्वा जलप्रपात एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो कि फोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छी जगह मानी जाती है। दोस्तों, आई होप कि आज की हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देंगे एंड अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरीके के वाटरफॉल, जू, फोर्ट, फॉरेस्ट, टेंपल एंड नेचर ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि इन्हीं सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ में आप लोगों के लिए मॉर्निंग 7 बजे इसी चैनल पर रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। एंड अगर आप लोग चाहते हैं हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो करना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।